तो व्हाट्सएप आए थे सभी लोग, आज सभी लोग का स्वागत है एक मॉन्टेसिंग वीडियो में। तो आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हम लोगों ने डाउन एसएमपी में अपने लिए एक कैसल बनाया था एंड उस कैसल में हम लोगों ने डेकोरेशन एंड इंटीरियर बिल्कुल भी नहीं किया था। तो गाइस आज हम लोग वही करने वाले हैं। मेरा जो इंटीरियर है तो वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप लोग ना इस इंटीरियर को देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे को मेरे इंटीरियर के लिए कुछ बुक शेल्फ चाहिए एंड जल्दी से अपने बुक शेल्फ ले लेते हैं एंड अपने इंटीरियर को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस अभी मेरा प्लान क्या है कि गाइस सबसे पहले तो ना मैं जो ये वुड लगी है ये साइड में तो इनको निकाल देता हूँ। अभी सब कुछ गाइस मैं रिमूव करने के बाद गाइस सोच रहा हूँ कि गाइस अभी मैं इस डर्ट को भी रिमूव कर दूँ एंड जहाँ पर मैं लैंटर्न को लगा दूँ एंड लैंटर्न के गाइस ऊपर लगा दूँ, जिससे क्या होता है कि गाइस हमारी जो लैंटर्न होती है वो हमारी उस स्लैब से आर पार उसकी रोशनी होती है, जिससे हमारे घर के अंदर गाइस रोशनी रहेगी। और जल्दी से अभी आपको मैं वही लगाने के बाद मिलता हूँ एंड या गाइस अभी पूरा मज़ा आने वाला है हमारे घर को बनाने में। व्हाट द हेक गाइस ये कौन है भाई, एक सेकंड भाई, भाई ये कौन है भाई, इट्स जयसन भाई साहब, भाई कोई न्यू मेम्बर होगा। अभी हम लोग अपना काम को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो गाइस। तो मैं अभी गाइस आयरन फार्म पे आया हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने आऊँ, बट यार जल्दी से यहाँ से अभी आयरन ले ही लेते हैं अगर आए हैं, बिकॉज गाइस यहाँ पर कोई भी आयरन नहीं छोड़ता है जैसे कि बाकी एसएमपी के आयरन फार्म ना चेस्ट बड़े भरे होते हैं भाई आयरन से, इधर नहीं है भाई, इधर हर एक बंदा खाली कर देता है जैसे कि मैं। तो अभी आयरन तो गाइस कलेक्ट कर लिया है, अभी जल्दी से चलते हैं यार। अभी गाइस इसको गाइस इसके साथ भर देते हैं जो कि मैं भूल गया भाई इसका नाम क्या होता है, नेदर, इसको नेदर ब्रिक्स भी बोलता हूँ, ब्रिक्स तो नहीं है बट यार भूल गया मैं इसका नाम। एंड चलो गाइस जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे पास गाइस अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ एग्जाम, मेरी मम्मी मेरे को लैपटॉप लाने नहीं दे रही हैं। तो अभी मेरे को आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं कि टाइम ही नहीं है एंड मैं अभी यहाँ पर टाइम लैप्स बना के डालने वाला हूँ। हम लोग भाई उसी से चला लेना भाई, अभी क्योरी क्या और कर ही क्या सकते हैं भाई, टाइम ही नहीं है अभी भाई, अभी टाइम लैप्स देते हैं एंड आपके बाद आपको आउटरो में मिलते हैं। तो वैसे भी हमारा जो घर है वो कंप्लीट हो चुका है एंड बीच में कुछ जगह से टाइम लैप्समेंट नहीं डाल पाया बिकॉज ऑफ सम लेजी इशूज, मेरा उसको डालने का मन नहीं किया। तो वैसे ये है हमारा घर ऊपर से, तो आप लोग देख ही सकते हो जो सब लगाया है मैंने ऊपर क्रोप क्रोप एंड ऊपर से तो वैसे नॉर्मल ही है एंड फिर जल्दी से चलते हैं हम लोग अंदर एंड अंदर हम लोग मैंने सब जगहों को मैंने गाइस सेम रखा है एंड ऊपर अभी खाली है, मैं अभी यहाँ पर चेस्ट रखने के बारे में सोच रहा हूँ एंड अभी चलते हैं नीचे एंड भाई थोड़ा बहुत इंटरनेट इशू रहा है। मैं आप लोग सोच रहे हो मैं यहाँ पर वाटर पार्क निकलने जा रहा बिकॉज ऑफ क्रॉप, यार क्रॉप खराब हो जाएंगे फिर से लगाना पड़ेगा एंड मैंने यहाँ पर ब्रूइंग स्टैंड रखा है जिसमें कि हम लोग पोशन वोशन बना सकते हैं एंड इसमें हम लोग ब्रूइंग का सामान है एंड यहाँ पर हम लोग ब्लेज पाउडर बना के रख देते हैं एंड ये आ गया हमारे पास प्लेट पाउडर एंड ड्रॉइंग स्टैंड के अंदर रख देते हैं अभी इसको। चलो गाइस अभी ये इसमें तो आ गया एंड गाइस अभी मैंने इधर रखा है स्टोन कटर, जैसे कोई स्टोन कट करने की हमको ज़रूरत पड़ जाती है इधर मेरे को, ये बीच का मेरे को सबसे बढ़िया लगता है एंड बाकी तो सब कुछ नॉर्मल सा ही है एंड इधर भाई मेरे को नहीं पता मैंने ये बी हाइप किस लिए लगाया बट यार मैंने लगा दिया भाई, ऐसे मन किया तो मन नहीं भाई, मैंने जिसका ट्यूटोरियल तो नहीं भाई जिसका मैंने डिज़ाइन देखा था ब्लू प्रिंट देखा था उसमें ये सी था, मैंने सारा ऐसा ही बना दिया एंड अभी देख सकते हो मेरे को अभी तक उस क्रिएटर का नाम नहीं मिला भाई जिसने भी इसको क्रिएट किया भाई डिज़ाइन को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।